ये सरकार जिस ढंग से ये मणिपुर की मुद्दे को दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ कानून और स्थिति की मसला नहीं है, ये जाति दंगा है। हिंदुस्तान को आम लोग ये समझना चाहिए, जाति दंगा, ये जाति दंगा आज तक हिंदुस्तान में इस तरीके के नहीं हुई। ये जाति दंगा को मद्देनजर आज हमें सोचना चाहिए। सारे दुनिया में ये मुद्दे चर्चा में आ गए हैं, सिर्फ कानून और स्थिति की बहाना देते हुए ये सरकार मणिपुर की गंभीरता को टालने का कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि मणिपुर के मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में फैल गए हैं, सारे दुनिया में चर्चा की विषय बन चुके हैं। तो इसी के मद्देनजर जो जो ठोस कदम सरकार की तरफ उठाना चाहिए वो ठोस कदम सरकार उठाए, इसके लिए हम गुहार लगाएंगे और साथ साथ कल हम वहाँ के गवर्नर साहब से भी मिलेंगे। हम अपना जो तजुर्बा हुआ, हम लोग जो उपलब्धि हमारे होंगे सारे उनको बयान करेंगे। फोटो ऑफ है, हो गया, ठीक है। बीजेपी जरूर कहेंगे, कम से कम कुंभकर्ण की तरह नींद में तो डूबे नहीं है हम लोग। जहाँ सारे मणिपुर जल रहे हैं वहाँ बांसुरी बजाने के लिए तो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमारे सब चीज में फोटो ऑप्शन लगेगी, लेकिन हालात को मद्देनजर सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि मणिपुर आज किस हालात में गुजर रहे हैं। मणिपुर के अंदर की खबर बाहर की वाले को किसी को पता नहीं है। विभत्स करके नंगे हमारे माँ बेटियों को सड़क पे दौड़ते हुए देखने के बाद अगर कोई कहे कि फोटोप्स करने के लिए जा रहे हैं, मैं उनके लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं। कम से कम हर चीज में सियासत ना करे, यही हमारा मांग होगी। आज इतने महीने हो गए हैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कभी मणिपुर जाने की कभी कोशिश नहीं की, मणिपुर वासियों को एक वार्ता देने की, एक संदेश देने की कभी कोशिश नहीं की। मणिपुर के आम लोगों को जो कष्ट होते हैं, जो पीड़ित, उन लोगों को निवारण के लिए, उनका कष्ट निवारण के लिए कोई कदम नहीं उठाई। आज इतने दिन बाद जब विपक्ष ने धक्का मारे तो उनको नींद टूटने लगे। अभी सीबीआई की बात हो रही है, अभी छानबीन की बात हो रही है, अभी तफ्तीश की बात हो रही है, अभी किसी को पकड़ने की बात हो रही है। क्यों इतने दिन क्या सो रहे थे आप लोग? कुंभकर्ण की नींद हम लोग टूटा, हमारी धक्का से ये सरकार की कुंभकर्ण की नींद टूटे और वो अभी हरकत में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिर दोबारा आम लोगों की आंखों में धूल झुकना बाकी है।